विद्यार्थियों, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे जनसंचार माध्यम और अनुवाद इसके साथ ही हमारा ध्यान रहेगा अनुवाद से संबंधित पत्रकारिता, कार्यालयीय अनुवाद, वैज्ञानिक तकनीकी और अन्य अन्य प्रकार के जो अनुवाद है, जैसे विधि से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है, इनका अनुवाद और उनकी आने वाली समस्याओं के बारे में। तो सबसे पहले विद्यार्थियों बात करते हैं जनसंचार माध्यम और अनुवाद। जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उनमें अनुवाद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जनसंचार माध्यमों में यूं तो हमारे सामने वही चीजें प्रस्तुत की जाती हैं जो हम देखना चाहते हैं और जिस भाषा में देखना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इन सबका भी अनुवाद किया जाना आवश्यक हो जाता है। वैश्विक स्तर की जो भी जानकारी है वो हमें हमारी भाषा में उपलब्ध नहीं होती। पत्रकार हैं वो विश्व के कोने कोने से हमारे लिए खबरों को चुन चुन कर लाते हैं और फिर हमारी इच्छित भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाना आवश्यक होता है। बिना हमारी इच्छित भाषा में अनुवाद किए हम उस भाषा जिस भाषा में मूल भाषा में वो खबर आई है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अनुवाद का अपना बड़ा महत्व है। अनुवाद इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे देश के अंदर ही मान लीजिए कि कोई विदेशी राजनयिक आया है जिसे हमारे देश की भाषा नहीं आती है, उस परिस्थिति में हमारे संवाददाताओं को उनकी बातों का अनुवाद करना पड़ेगा। अंग्रेजी चूंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और जो भी विदेशों से दूसरे देशों से, चाहे वो पर्यटक है, चाहे राजनयिक है, चाहे कोई और सामाजिक कार्यकर्ता है, वो यहाँ आएगा तो वो अंग्रेजी का प्रयोग करेगा, लेकिन उनकी क्या विचार हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या उद्देश्य उनकी इस यात्रा का है, वो सब बताने के लिए उन्हें एक माध्यम भाषा की आवश्यकता होती है। और उस माध्यम भाषा की आवश्यकता के लिए पत्रकार ये करते हैं कि उनकी बातों को हमारी भाषा में अनुदित करके हम तक पहुंचाते हैं। तो यहां अनुवाद की भूमिका अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कई बार संसद की कार्यवाही में हमारे देश के कुछ जो सांसद हैं उन्हें, जो कि सुदूर जो है पूर्वोत्तर से संबंध रखते हैं या ऐसे क्षेत्रों से संबंध रखते हैं जहां हमारी भाषा का चलन कम है, या हिंदी भाषा में बोलने वाले, अपना विचार व्यक्त करने वाले जो सांसद विधायक हैं, राजनेता हैं, उनके जो भाषण हैं वो उन पूर्वोत्तर के लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी भाषा में उसका अनुवाद आवश्यक हो जाता है। और इस सब की जिम्मेदारी पत्रकारों पर, संवाददाताओं पर, संपादकों पर ही होती है। इसलिए विद्यार्थियों यह आवश्यक है कि पत्रकारिता के अंदर भी अनुवाद किया जाए और उस अनुवाद का स्तर है वो काफी ऊंचा होना चाहिए, अर्थात अनुवाद इस तरह का हो कि वह जन सामान्य की पहुंच में हो। साहित्यिक या अलंकृत भाषा का इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात करें कार्यालयी हिंदी और अनुवाद की। कार्यालयी हिंदी और अनुवाद, कार्यालयों के अंदर जिस हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है उसमें अनुवाद की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था और उस अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी ही राजकाज की भाषा थी। उससे पूर्व की बात करें तो मुगल काल में फारसी राजकाज की भाषा थी। ऐसे दोनों ही समय में जहां हिंदी का कोई स्थान नहीं था, वहां एकदम से जब हिंदी को राजभाषा बना दिया गया, उस परिस्थिति में हिंदी के लिए यह आवश्यक हो गया कि अंग्रेजी और अरबी फारसी की जो राजकाज की शब्दावली है उसका अनुवाद किया जाए।
अनुवाद किया जाना आवश्यक भी हो गया, क्योंकि बिना अनुवाद किए राज कार्य को निपटाना किसी भी तरह से संभव नहीं था। इसलिए ये अनुवाद है वो हिंदी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। 1949 में जब ये आदेश पारित कर दिया गया कि हिंदी देश की राजभाषा है और संघ के सभी कार्यालयों में हिंदी का ही प्रयोग होगा, 5 हिंदी भाषी राज्यों में सभी कार्य है कार्यालयों में हिंदी भाषा में निपटाए जाएंगे, अन्य किसी राज्य से संपर्क करते हुए उनकी भाषाओं जो अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा में लिखा गया पत्र भी भेजा जाएगा, और अन्य भाषाओं भाषा भाषी जो 3 श्रेणियां राज्यों की बांटी गई थी उनमें उनके अनुसार भाषा में पत्र दिया जाएगा, लेकिन हिंदी का लिखा हुआ पत्र साथ में जाएगा। तो इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए थे। इसलिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, कार्यालयों की भाषा बनाने के लिए, उस स्तर तक हिंदी को पहुंचाने के लिए अनुवाद ही एकमात्र चारा था, क्योंकि न्यायालयों का कार्य अंग्रेजी में होता था, कोर्ट कचहरी का कार्य अंग्रेजी में होता था, और इनसे कुछ जुड़े हुए कार्य है वो उर्दू अरबी उर्दू और फारसी में भी होते थे, लेकिन हिंदी का कोई नामो निशान नहीं था। अब आवश्यकता ये अनुभव की गई कि उन न्यायालय के कार्यों को, कानूनों को, सब चीजों को बदला जाए, उसको हिंदी में किया जाए, और इसके लिए सबसे पहले अनुवाद किया जाना आवश्यक था, जो कि एक बड़ा ही दुसाध्य और जटिल कार्य था। हिंदी में कार्यालयीय अनुवाद है, उसके 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार, एक संवैधानिक अनुवाद और दूसरा असंवैधानिक अनुवाद। संवैधानिक अनुवाद और असंवैधानिक अनुवाद में अंतर यह है कि संवैधानिक अनुवाद में न्यायालय, कोर्ट कचहरी से संबंधित भारत का जो राजपत्र है वो, और अन्य अन्य संविधान से जुड़े हुए तथ्य, संविधान से जुड़ी हुई बातें, कानून से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उन सब चीजों का अनुवाद किया जाता है। जबकि असंवैधानिक अनुवाद के अंदर न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त, न्याय व्यवस्था है वो संवैधानिक अनुवाद के अंतर्गत आती है, न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त जो संहिता है, मैनुअल है, नियमों की पुस्तकें हैं और दूसरे जो गजट हैं, उन सब का अनुवाद किया जाता है। और ये अनुवाद करने का कार्य है वो बहुत लंबा चौड़ा और विस्तृत है, जिसमें कार्यालयों के सभी नियमों का, उपनियमों का अनुवाद है, डाक तार से संबंधित अनुवाद है, रेलवे का, बैंकिंग का, इन सभी चीजों का अपना अपना अनुवाद का कार्य आता है। सन 1970 तक यह जो कार्यक्रम है वो शिक्षा मंत्रालय का जो केंद्रीय निदेशालय है उसके अधीन इस कार्य को पूरा किया जाता था, और 1971 के बाद इसको स्थानांतरित कर दिया गया गृह मंत्रालय में, जहां का केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना करके वहां पर इस अनुवाद के कार्य को प्रारंभ किया गया। और यह कार्यक्रम सतत जारी है, क्योंकि अनुवाद का कार्य है वो बड़ा अपने आप में वृद्ध है, बड़ा विशाल स्तर पर कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये कार्य है बड़ा लंबे समय तक चलने वाला है, और इसके लिए अलग से एक विभाग या एक ऐसे ब्यूरो की आवश्यकता महसूस की गई थी, जिसकी स्थापना 1971 में कर ली गई। तो इस केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से ही सारे कार्य करवाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो था कार्यालय हिंदी और उसमें होने वाला अनुवाद, लेकिन इसके साथ ही जो असंवैधानिक अनुवाद है उसको 3 श्रेणियों में भी बांटा गया था। यहाँ इसकी चर्चा करना भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं संवैधानिक अनुवाद और असंवैधानिक अनुवाद की, तो असंवैधानिक अनुवाद जो अपने आप में बहुत ज्यादा विस्तृत है, तो उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया। गैर तकनीकी सामग्री, गैर तकनीकी सामग्री, जो सामग्री तकनीक से संबंधित नहीं है, जैसे सामान्य नियमावली है, फॉर्म है, रजिस्टर है,
इन सब चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा है तकनीकी सामग्री। तकनीकी सामग्री, तकनीकी सामग्री के अंदर उन चीजों को शामिल किया जाता है जैसे मैनुअल, नियम पुस्तिकाएं और विशेष प्रकार की जो कुछ फॉर्म इत्यादि, रजिस्टर इत्यादि हैं, उनको तकनीकी में शामिल किया जाता है। तीसरा है अस्थाई महत्व की सामग्री। अस्थाई महत्व की सामग्री, अस्थाई महत्व की जो सामग्री है उसमें संकल्प पत्र, सामान्य आदेश, अधिसूचना, विज्ञापन इत्यादि को शामिल किया जाता है और इनके अनुवाद का कार्य किया जा रहा है। असंवैधानिक अनुवाद का जो कार्य है वो अपने आप में विस्तृत कार्य है। इसके बाद विद्यार्थियों आता है कार्यालयीय अनुवाद की समस्या और समाधान। कार्यालयीय अनुवाद की समस्या और समाधान। कार्यालयीय अनुवाद की अपनी कुछ समस्याएं हैं और उनका समाधान भी हो सकता है। जैसे वैज्ञानिक जो कार्यालयीय अनुवाद है उसमें कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उस भाषा में जो अनुवाद उसका हिंदी में किया जाता है वो कई बार इतना दुसाध्य कर दिया जाता है, इतना मुश्किल या जटिल कर दिया जाता है कि जो समझने वाला है एक साधारण व्यक्ति वो उन चीजों को समझ नहीं पाता है। अनुवादक है कई बार शब्द कोश के अनुसार उसमें शब्दों को रख देते हैं, ऐसे ऐसे पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं कई बार कि जिसका अर्थ लगाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। कई बार अनुवादक अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए ऐसे ही शब्दों को रख देता है और कई बार इतनी क्लिष्टता, इतनी गलतियां आ जाती है कि उन गलतियों के कारण सारा जो अनुवाद है वो ही भ्रमात्मक और गलत हो जाता है। तो क्लिष्टता है, पांडित्यपूर्ण शब्द है, अलंकृत भाषा का प्रयोग है, या जो है अल्पज्ञता के कारण होने वाली जो गलतियां हैं या जो है लापरवाही के कारण होने वाली गलतियां हैं, यह इस कार्यालयीय अनुवाद के लिए समस्याओं को खड़ा कर देती है। दूसरा ये कि कार्यालयीय अनुवाद के लिए तकनीकी शब्दावली या यूं कहें पारिभाषिक शब्दावली की भी कमी है और उस पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण को करते हुए अनुवादक को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वह अपने उस अनुवाद में इस तरह से शब्दावली का निर्माण करे, ऐसे प्रचलित शब्दों को रखे जो कि उसका अर्थ स्पष्ट करते हों और साथ में आसान भी हो, सरल भी हो। जटिल, कठिन और गूढ़ अर्थ देने वाले बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग यदि अनुवाद में किया जाता है तो वह भ्रमात्मक तथ्य उपस्थित कर सकता है। इसलिए कार्यालयीय अनुवाद को करते समय ध्यान रखना चाहिए अनुवादक को कि वह शब्दकोश का सहारा लेते समय भी सरल से सरल शब्द का चयन करे, जनभाषा के निकट के शब्द का चयन करे, पांडित्य प्रदर्शन की कोशिश बिल्कुल भी ना करे और स्रोत भाषा के भावों को नष्ट करने की कोशिश न की जाए। उच्च स्तरीय शब्द, गूढ़ार्थ लिए हुए शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें तो यह कार्यालयीय अनुवाद के लिए बेहतर है। जैसा कि हमने पहले बात की विद्यार्थियों कि जब देश स्वतंत्र हुआ, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो उसके लिए आवश्यकता अनुभव की गई कि अब बिना अनुवाद के काम नहीं चल सकता, इसके लिए अनुवाद विभाग स्थापित किया गया, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बनाया गया, अनुवाद अलग अलग तरह से किए गए, लेकिन उनमें ये कोशिश बहुत कम नजर आई कि किसी भी ने अपनी उस जिम्मेदारी को पूरे उस तरीके से निभाया हो जैसा उसकी जिम्मेदारी थी। या तो उन अनुवादकों ने केवल पांडित्य प्रदर्शन की कोशिश की
या केवल काम चलाऊ अनुवाद किया जो कि उन्होंने शब्द कोश देखकर ही पूरा कर दिया हो, उन पर गहन विचार विमर्श, गहन मंथन नहीं किया गया है, ऐसा कार्यालय के अनुवाद को देखकर महसूस होता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए होना ये चाहिए कि इन चीजों में सुधार किया जाना चाहिए, जनभाषा, जनभाषा के निकट की भाषा को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, इसके बाद है वैज्ञानिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी अनुवाद। वैज्ञानिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी अनुवाद। विद्यार्थियों, देश के स्वतंत्र होते ही जब हमने अपने बलबूते पर कुछ करने का सोचा तो हमने यह भी सोचा कि विज्ञान का विकास, तकनीकी का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास वो भी हम अपने बल पर करें, और इसके लिए हमें ये आवश्यक था कि हम अपने इन चीजों का जो साहित्य है, विज्ञान का साहित्य है, तकनीकी का साहित्य है, प्रौद्योगिकी का साहित्य है, वो भी हम अपनी ही भाषा में रचें। लेकिन विडंबना ये कि अब भी इस क्षेत्र में बहुत कम कार्य हुआ है। विद्यार्थियों की जो पुस्तकें हैं उनका तो अनुवाद हुआ है, वो भी केवल शब्दानुवाद, भावानुवाद उसमें नहीं आया है। उसके अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से हिंदी भाषा के अंदर ऐसे बहुत ही कम पुस्तकें मिलती हैं जो उस स्तर की हो और जिसमें अच्छा अनुवाद मिलता हो, जो विद्यार्थियों के काम आ सके। इस क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान में बहुत कम कार्य हुआ है, और जो कार्य हुआ है वो बहुत ही नगण्य है। इसे और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो बात हम पहले कर रहे थे कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण है वो निकट की भाषा से किया जाना चाहिए। जैसा कि कुछ आलोचक मानते हैं कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करते समय संस्कृत भाषा के शब्दों को काम में लिया जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत है हिंदी के निकट की भाषा है, इसलिए उसके निकटतम भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा ये कि अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो भी हिंदी के निकट की जो भाषा है, जिन शब्दों का हिंदी में प्रचलन है, ऐसे शब्दों का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। शब्द छोटे होने चाहिए और वो अपने आप में उस शब्द विशेष का पूरा अर्थ लिए हुए होने चाहिए, वो पढ़ने में आसान, लिखने में आसान, उच्चारण में सरल होने चाहिए। तो ये सरलता जब तक इन चीजों में नहीं आएगी, जब तक सरलता हमें इन चीजों में नहीं मिलेगी, तब तक विद्यार्थियों हमें सही और अच्छा जो अनुवाद है वो नहीं मिल पाएगा, और न ही हमारा जो विज्ञान है, तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, उसमें हम विकास कर पाएंगे। देश के तकनीकी विकास के लिए, सब लोगों को इसका ज्ञान देने के लिए यह आवश्यक है कि हम हमारी न केवल पाठ्य पुस्तकों को बल्कि अन्य अन्य ज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनको भी अपनी भाषा में प्रकाशित करें। भले ही इसके लिए अनुवाद का सहारा लिया जाए, लेकिन अनुवाद का सहारा लेने के साथ साथ अनुवाद ऐसा हो कि जो भावों के अनुकूल हो और जो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार, देश के विद्यार्थियों के अनुसार उचित भी हो। क्योंकि देश की अधिकांश जनता है जिसे अंग्रेजी नहीं आती, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा ही समझता है, और हिंदी भाषा है वो अधिकतर लोग समझते हैं या उसे समझ सकते हैं। तो उस हिंदी भाषा में पुस्तकों को तैयार किया जाना आवश्यक है। जब तक हिंदी भाषा में हमारी पुस्तकें तैयार नहीं होंगी, तब तक हम ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं कह सकते। परंपरागत जितनी चीजें, जितनी बातें, जितनी प्रकार के विषयों की पुस्तकें हिंदी भाषा में उपलब्ध है, वहां हम देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी बहुत आगे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें एक
औसत दर्जे की या औसत से कम दर्जे की अनुदित पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, तहां वहां उनकी प्रतिभा है वो हमें कम दिखाई देती है। तो प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और देश के विकास के लिए इस वैज्ञानिक क्षेत्र में कुछ कर दिखाने के लिए हमें आवश्यकता यह होगी, हम तकनीकी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुवाद का सहारा लेकर ऐसी भाषा में अपनी पुस्तकों को तैयार करें जो देश के विकास के लिए काम दे सके। तो तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का अपना महत्व है और अनुवाद का भी उससे कहीं ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब तक भाषा में अनुवाद किया हुआ अनुदित या मौलिक साहित्य नहीं मिलेगा तब तक उस ज्ञान का लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाने के लिए आवश्यक है ये। इसके बाद है विधि और अनुवाद। विधि और अनुवाद। विधि अर्थात कानून। कानून जो कि अंग्रेजों ने बनाए थे, आजादी के साथ उनमें परिवर्तन आया, लेकिन उनकी भाषा में परिवर्तन लाना आवश्यक था। भावों में परिवर्तन लाना तो आवश्यकता ही, कानूनों को कुछ को जड़ से समाप्त किया जाना, कुछ में आमूल चूल परिवर्तन किए जाने आवश्यक थे, जो किए भी गए, लेकिन उसके साथ साथ यह भी आवश्यक था कि उसकी भाषा में परिवर्तन किया जाए। और जैसा कि हमने विज्ञान और तकनीकी के बारे में अभी बात की, कार्यालय अनुवाद के बारे में बात की कि वहां पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता है, तो यहां भी पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता है। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करते समय हमें यहां भी उन्हीं चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अनुवादक को उस क्षेत्र विशेष का पूरा ज्ञान हो, विधि से संबंधित वह उस विधि का ज्ञाता हो, पर्याप्त ज्ञान हो उसे, और शब्दकोश का यदि वह सहारा ले रहा है तो शब्दकोश भी एक वृहद विशाल शब्दकोश होना चाहिए, जिसके अंदर प्रत्येक शब्द के अधिक से अधिक उत्तर या पर्यायवाची मिल सके और उनकी एक अच्छी व्याख्या भी उनके अंदर उपलब्ध हो। तो इतना जब सब कुछ होगा तो उसके बाद ही हमें यह सब मिल सकेगा कि एक अच्छा अनुवाद हमारे सामने आए। विधि से संबंधित अनुवाद करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी कानून की यदि थोड़ी सी भी गलत व्याख्या, गलत अनुवाद कर देंगे तो उससे किसी भी एक पक्ष का जो पलड़ा है वो भारी हो सकता है और किसी दूसरे का कमजोर हो सकता है। इसलिए उस विधि का ज्ञान देने के लिए उसका अनुवाद भी सही रूप में होना आवश्यक है। ध्यान रखना ये चाहिए कि पारिभाषिक शब्दावली है वो सही, सटीक और सरल होनी चाहिए, आलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करें, और जो अनुवादक है उसे भी इस क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं अनुवाद की कुछ अन्य समस्याओं की। इन तथ्यों के अतिरिक्त, इन समस्याओं के अतिरिक्त कुछ अन्य समस्याएं भी अनुवाद में हमारे सामने आ सकती है। सबसे पहले है अर्थ संप्रेषण शक्ति। अर्थ संप्रेषण शक्ति अर्थात अनुवाद के अंदर अर्थ संप्रेषण शक्ति होनी चाहिए। जो अनुवाद किया जा रहा है वह अपना अर्थ देने वाला होना चाहिए, अर्थ ग्रहण करा सके। जो पारिभाषिक शब्दावली हम काम में ले रहे हैं अनुवाद करते समय, वह पारिभाषिक शब्दावली अर्थपूर्ण हो, उसका अपना निश्चित अर्थ निकलता हो, और निश्चित अर्थ के साथ साथ वह जो अर्थ स्रोत भाषा में कोई शब्द दे रहा है वही लक्ष्य भाषा में भी उसका अर्थ उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसा अर्थ संप्रेषण, अर्थ को देने वाला और अर्थ को ग्रहण करने वाला जो अनुवाद है वही एक अच्छा अनुवाद होता है। और जो समस्या आती है वो अर्थ संप्रेषण शक्ति की समस्या आती है, क्योंकि अनुवादक अनुवाद तो कर देते हैं लेकिन जो अनुवाद वो करते हैं वो कई बार अर्थ संप्रेषित नहीं करते। उनका जो अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए या जो अर्थ उनकी उस अनुवाद का होना चाहिए वो है अर्थ नहीं होता। कभी कभी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के
जो वाक्य हैं, जो बातें उनमें कही गई है, उनमें बड़ा भारी अंतर नजर आता है, जहां अर्थ ग्रहण करने में दिक्कतें आती है। तो ये अर्थ ग्रहण करने की दिक्कत है, अर्थ ग्रहण करने की जो समस्या है वो समस्या नहीं होनी चाहिए, या उस चीज को, उस समस्या को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। दूसरा है भावन शक्ति, भावन शक्ति। हमारे प्राचीन विद्वानों में ने बड़े तप के साथ, बड़े ही शोध के साथ, बड़े ही कठिन परिश्रम के साथ बहुत से तथ्यों को अपने ग्रंथों में संकलित किया था, और हमारा दुर्भाग्य ये है कि वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही एक आचार्य राजशेखर हैं, जिन्होंने प्रतिभा के दो रूप बताए हैं, एक तो है कार्यत्री प्रतिभा और एक है भावित्री प्रतिभा। तो जो कार्य किया जाता है वह अनुवाद का जो कार्य है वो भावित्री प्रतिभा के द्वारा किया जाता है। दो तरह की प्रतिभाएं, दो तरह की योग्यताएं मनुष्य के अंदर अनुभव की गई है, कार्यत्री और भावित्री। और भावित्री का ही इस अनुवाद के कार्य में मुख्य भूमिका, मुख्य रोल होता है, जो भावों को प्रकट करती है। तो ये शक्ति अनुवादक के अंदर होनी चाहिए कि वो अपनी इस प्रतिभा का, अपनी इस योग्यता का पूरा प्रयोग करके, इस योग्यता का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके इसे अपने कार्य को करे और एक अच्छा अनुवाद प्रस्तुत करे। तीसरा है कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति। अनुवाद के अंदर कल्पना शक्ति होनी चाहिए, अनुवादक है खुद कल्पना कर सके, वो पूरे सामग्री को अच्छी तरह से पढ़े, उसके अर्थ को ग्रहण करे, उसका सार निकाले और अपनी कुछ कल्पना भी उसके अंदर जोड़े, कल्पना करके वो देखे। कल्पना जब अनुवाद के साथ जुड़ती है तो भी अनुवाद पर काफी गहराई तक भावों को ग्रहण किया जा सकता है, या उन भावों को रखा जा सकता है जो स्रोत भाषा में भाव होती है। इसलिए कल्पना का अपना महत्व है, और उस महत्व को स्वीकार करते हुए हमें चाहिए कि हम उस स्रोत भाषा के भाव को कल्पना के माध्यम से ही व्यक्त कर सके, लेकिन व्यक्त अवश्य करें। विद्यार्थियों, ये तो था अनुवाद। अगली क्लास में हम एक नए विषय के साथ फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।